Luggage. What do you think I'm talking about right now? Please, please. मैं इस चीज़ पे बहुत important चीज़ बोलना चाहती हूँ. Luggage के बारे में आपको क्या लग रहा है? Things to carry. और luggage. Things to carry. हाँ? बताइए बताइए. Luggage क्या है? Impression you are carrying. Sir is getting the point. मैं इतना easy नहीं बोलूँगी. Luggage अगर मैं कुछ आपको पूछना चाहती हूँ luggage के बारे में, तो definitely something different than what you know आप सोच रहे होंगे. I empathize with all the students. यानी कि मैं students की जगह को जगह पे अपने आप को रख के देखती हूँ जब भी मैं भेज रही होती हूँ. आप लोग अभी यहाँ बैठे हैं, सब हंस रहे हैं, खुश हैं. एयरपोर्ट पे जब जाएंगे ना, तो बच्चे जब अंदर चले जाते हैं तो पेरेंट्स रोने लग जाते हैं. मतलब कुछ लोग तब रोते हैं, कुछ लोग बच्चे के अंदर चले जाने के बाद रोते हैं, कुछ शायद तब रोते ही नहीं है, बाद में रोगे, लेकिन रोते ही ज़रूर. इमोशंस यू नो. जब बच्चा अंदर जा रहा होता है तो मैं ऑफकोर्स मैं बाहर खड़े होकर मैं ओके बाय, और मैं पेरेंट्स को कंसोल करती हूँ. इट्स ओके मैम, इट्स ओके सर, आपकी मत रोइए, इट्स ओके. मुझे पता है मैं अच्छा कर रही हूँ, बुरा कर रही हूँ ना, लोग रो रहे हैं. बट आई डेफिनेटली डू अंडरस्टैंड, दिस इज समथिंग कि एक साल के लिए बच्चा जाता है तो इमोशनल्स आना लाजमी है. लेकिन जब बच्चा जा रहा होता है अंदर एयरपोर्ट में और लास्ट ऐसे बाय करता है और देन इट्स लाइक देयर अंदर यू नो, तो जो लगेज उसके साथ होता है, जो उसकी कार्ट में होता है, जिसको वो ट्रॉली को लेके जा रहा होता है, मुझे वो लगेज के साथ बहुत सारी चीज़ें और दिखती हैं. आप सिर्फ वो लगेज लेके नहीं जाते हो, आप अपने साथ अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस लेके जाते हो जिसके साथ वो आपको भेजते हैं. आप सोसाइटी का वो प्रेशर लेके जा रहे हो जो आपके ऊपर है कि आपको क्या बनना है, राइट? और प्लस एक अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क भी लेके जा रहे हो. इट्स नेचुरल. पीपल वुड से कि ठीक है, लेट्स सी सिक्स इयर्स के बाद क्या होता है, फाइव इयर्स के बाद क्या होता है, राइट? बट दिस इज़ व्हाट इट इज़. मैं ये बस बोलना चाहती हूँ कि जो लगेज आप लोग अपने साथ लेके जा रहे हैं एक्सपेक्टेशंस का, उसको आपको नहीं भूलना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट लगेज है. आपके पेरेंट्स आपको भेज रहे हैं एक एक उम्मीद के साथ भेज रहे हैं कि आप जो करने जा रहे हो वो आप नहीं भूलोगे. मैं आप लोगों से आज एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ इस चीज़ को आने वाले 5 या 6 साल याद रखेंगे, राइट?